नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। विशुनपुरा प्रखंड में मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के साथ ही हर्षोल्लास के साथ दशहरा पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां को अंतिम विदाई दी। खासकर महिलाओं ने मां को बेटी की तरह खोई इच्छा भरकर विदाई दी। माता की विदाई में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। प्रखंड के विभिन्न नदी व तालाबों में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। महिला श्रद्धालु ढोल नगाड़े पर जमकर थिरकते नजर आए। इस बार माता के विसर्जन में महिलाओं की भारी भागीदारी देखी गई। हर मोहल्ला से महिलाओं का जत्था निकला हुआ था। न्यू यंग मैन ग्रुप पुरानी बाजार द्वारा मूर्ति विसर्जन के दौरान सैकड़ों महिला श्रद्धालु शामिल हुए। विसर्जन यात्रा में महिलाएं माथे पर माथा की पट्टी बांधकर जयकारा लगाते चल रही थी। ढोल नगाड़ों के साथ निकला जुलूस में महिलाओं के साथ साथ बच्चियां भी जमकर थिरक रही थीं। पुरुषों से ज्यादा विशुनपुरा मुख्यालय महिलाओं से पटा दिख रहा था। विसर्जन जुलूस में महिलाओं का उत्साह देखते बन रहा था। जुलूस में कमेटी के लोगों ने माता की प्रतिमा को कंधे पर लिए पुरानी बाजार से चलकर गांधी चौक होते हुए अपर बाजार, लाल चौक, पोखरा रोड से चलते हुए 3 किलोमीटर दूरी तय कर नगदी जलाशय के पास पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद मूर्ति विसर्जन किया गया। पुरानी बाजार पूजा कमेटी के द्वारा अलग अंदाज में प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस में माता की प्रतिमा पर फूलों की बारिश की जा रही थी। वहीं पूजा कमेटी के अध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि पूर्वजों की प्रथा को अपनाते हुए माता की मूर्ति कंधे पर लेकर विसर्जन करते आ रहे हैं। मूर्ति विसर्जन जुलूस में पूरे दिन भक्ति गीतों से मुख्यालय गुंजमान रहा। प्रखंड के कोचिया, संध्या, पोखरा चौक, अपर बाजार, पीपरी, अमहर, सोडीहा, जतपुरा, सरांग, पतिहारे, चीतरी सहित कई गांव से निकला प्रतिमा विसर्जन अपने अपने निर्धारित नदी व तालाबों में शांतिपूर्ण विसर्जन किया गया। गर्मी के बावजूद भक्ति गीतों के धुन पर श्रद्धालुओं के पैर नहीं रुक रहे थे। बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ युवा वर्ग में भी माँ के प्रति गजब की भक्ति देखी गई। मूर्ति विसर्जन जुलूस को लेकर थाना प्रभारी संजय कुशवाहा के द्वारा चौक चौराहों सहित जगह जगह पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी।